स्टूडेंट्स सो नाउ वी आर वन बी डूइंग इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर ऑल द क्वेश्चन ऑफ द लर्निंग चैप्टर ठीक है पिछले लेक्चर के नाम हम लोगों ने कंसेप्ट वाइज काम किया था अभी हम लोग क्वेश्चन वाइज कंसेप्ट का जो क्वेश्चन वाइज है वो वाला काम करेंगे लेट मी ऑल्सो जिस रिमाइंड यू ऑल दीज लेक्चर्स यू फर्स्ट अपियर ऑन आ टेलीग्राम चैनल जिसका डिटेल्स आ देयर बिलो इन एनी केस अपार्ट फ्रॉम दैट द नोट ऑल्सो डू कम ओवर देयर ओनली

कभी भी ये बिगिनर्स क्वेश्चन जो थे अपने आप लोग अपना टेबल बना लेना वहां पे एक आ जाएगा नंबर ऑफ यूनिट्स या नंबर ऑफ यूनिट्स उसके बाद एवरेज आर्स पर यूनिट और उसके बाद वो टोटल आर्स अगर कभी बैचेस का फंडा होगा तो यहां पे तीन कॉलम के बदले में चार कॉलम आ जाएंगे कौन से चार नंबर ऑफ यूनिट्स वो टाइम पास कॉलम उसके बाद नंबर ऑफ बैचेस एवरेज आर्स पर बैच और उसके बाद टोटल आर्स ठीक है डू रिमेंबर दैट If you have made eight units, this is just an example, and you are further, and you have to further make eight units. Hours required for these eight units will be total hours for sixteen units less the total hours for the eight units. So I have mentioned in the previous lecture in learning curve, what is not possible. आप लोग डायरेक्टली यहां पर कोई आर्स बीच वाले यूनिट्स के आर्स वो नहीं निकाल सकते इज ओनली वन वे फाइंड आउट दी आर्स अपर लिमिट लेस दी आर्स फॉर द लोअर लिमिट लेस वन तो अगर आप लोग आठ यूनिट बना चुके हो आठ यूनिट और बनाने वाले हो इन सीरियल ऑर्डर ये वाले जो न्यू आठ यूनिट है ना आर नाइन्थ यूनिट टू यूनिट यूनिट टू सिक्स यूनिट के लिए लर्निंग कर्व के एक ही ऑप्शन है फाइंड आउट टोटल आर्स फॉर सिक्सटीन यूनिट सब्राइक फ्रॉम टोटल आर्स फॉर एट यूनिट ठीक है If fixed cost has been recovered from normal goods and we are asked to quote the lowest, then we should follow marginal cost plus. Okay? If there is a case of batches, इट विल बी गिवन अगर बैचेस का फंडा होगा सम आपको बता देगा इट माई टेक टू फॉर्म्स एग्जाम्पल टेन यूनिट्स आर वन बैच तो आप लोगों को डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर दे, दे देंगे दैट टेन यूनिट्स इज इक्वल टू वन बैच तो समझ जाना सम के ना बैचेस का फंडा है या फिर द लर्निंग कब विल स्टार्ट आफ्टर द कंपनी हैज प्रोड्यूस टेन बैचेस तो वो लोग ऐसे भी तुमको बोल सकते हैं कि ना लर्निंग कब स्टार्ट होगा टेन यूनिट्स बनाने के बाद तो उसका मतलब समझ आना टेन यूनिट्स इज वन बैच ठीक है आगे बाई मार्कअप वर्ड इज ऑलवेज यूज ऑन कॉस्ट एंड मार्जिन वर्ड इज ऑलवेज यूज फॉर सेलिंग प्राइस ठीक

अगर ऐसा होएगा ना तो याद रखना विल नॉट गिव यू द प्रॉपर टेबल्स और जो का वैल्यूज आपको दिया हुआ है उन्हीं से काम चलाना पड़ेगा जैसे यहां पर लॉक टू दिया हुआ है लॉक फोर दिया हुआ है और सॉरी लॉक थ्री दिया हुआ है लॉक फोर दिया हुआ है अगर कोई तुमको वो बोलेगा या फिर अगर तुमको कभी लॉग एट की जरूरत पड़ जाएगी तो लॉग एट फिर कैसे लाओगे बेटा तो फिर सोच सकते हो एट इज इक्वल टू फोर इन टू टेक लॉग ऑन बोथ साइड लॉग एट इज इक्वल टू प्लस लॉग टू ओके तो आपके पास लॉक फोर है लॉक टू है उसको ऐड करके तुम लोग को वगैरह वो मिल जाएगा ठीक है तो तुम को सोचना पड़ेगा तुमको और क्या वैल्यूज चाहिए और ऐसे क्वेश्चन फॉर्मूला ही यूज करोज इक्स टू बी एक्स वाई वाला फॉर्मूला मत यूज करना वो मैंने बनाया हुआ है दैट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ ट्राइंग टू सिंपलीफाई लेकिन ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना जिन लोगों ने वो बनाए होंगे वो लोग वाई लो के फॉर्मुला के हिसाब से ही तुमको लॉग्स और एंटीलॉग्स देते हैं ठीक है अच्छा बीच में यहां पे एक और काम आया था यू हैव टू फाइंड आउट टोटल

तुम लोगों ने आठ यूनिट का कॉस्ट निकाला होगा बेस्ड अपॉन द लर्निंग कर्व तुमको पे कुछ ना कुछ कॉस्ट वगैरह वो वो आ गया कॉस्ट कॉस्ट तुम्हारी शीट के अंदर वो गएगा कस्टमर को हम लोगों ने बता दिया कि भाई यूनिट का टोटल खर्चा वो इतना होगा तुम लोगों ने यूनिट्स प्रोड्यूस करने स्टार्ट अभी तक तुम लोगों ने यूनिट्स यूनिट्स बनाए चार के बाद कस्टमर का फोन आया बोलते हैं कि बाकी ऑर्डर कैंसिल और मैं चार यूनिट्स ही ले रहा हूं मैंने देखो आठ यूनिट का ऑर्डर दिया था तो मैं बाकी चार यूनिट का ऑर्डर जो है वो मेरे को नहीं चाहिए मैं देखो चार यूनिट ही तुझसे वो खरीदूंगा अभी तक तुमने चार बनाए हैं और

कॉस्ट फॉर एट यूनिट्स, सॉरी कॉस्ट फॉर फोर यूनिट भी लेसर देन दॉस्ट ऑफ द यूनिट्स कॉस्ट ऑफ फोर यूनिट बेस्ड ऑन फोर यूनिट्स दिस इज द कॉस्ट दैट वी विल इनकर द रिमेनिंग इज द लॉस जो अपने को राइट ऑफ करना ही पड़ेगा अपने पास और कोई ऑप्शन ही यहां पर नहीं है ठीक है बस फिफ्थ रिमेनिंग इज अ लॉस दैट हैव टू बी ऑफ ओवर हियर ठीक है तो ये वाला एक बार क्वेश्चन बराबर से चेक कर लेना कि 162 रुपीस का जो आंसर है वो कैसे आया था तो हम लोगों ने चार यूनिट्स के लिए कॉस्ट निकाला फिर उसके बाद हम लोगों ने चार यूनिट्स का कॉस्ट निकाला बेस्ड अपॉन एट यूनिट मतलब एट यूनिट्स का कॉस्ट निकाल के डिवाइड बाई टू किया ओके तो फिर अपने को यहां पर आंसर आ गया था ठीक ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन अभी उसी के बेसिस के ऊपर क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन था तुम्हारा इसके ने एक पार्ट वन था जो बहुत नॉर्मल पार्ट था बस इस पार्ट का न एक छोटा सा चीज़ एक यूनिट हम लोग बना चुके हैं जो हम लोग किसी को नहीं बेचने वाले उसके बाद अपने पास बीस यूनिट का ऑर्डर आया है सो so, हम लोग को ये बीस यूनिट के लिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस कोट करना है तो सेलिंग प्राइस के लिए अपने को हमारा कॉस्ट चाहिए तो so, ये ट्वेंटी यूनिट्स आर नॉट द फर्स्ट ट्वेंटी यूनिट्स दीज आर दूनिट्स फ्रॉम सेकंड यूनिट टू ट्वेंटी फर्स्ट यूनिट सो ऐसे यूनिट्स के लिए अगर आपको टोटल आर्स निकालना है इज ओनली वन वे एंड वट इज़ दैट पर्टिकुलर वे फाइंड आउट टोटल आर्स फॉर ट्वेंटी वन यूनिट्स सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द टोटल आर्स फॉर द फर्स्ट यूनिट दैस गुंड बी गेडिंग द आर्स फॉर द बीच वाला जो ट्वेंटी यूनिट है ठीक है वो करके हम लोगों ने काम कर लिया और एक और चीज बाई डिफॉल्ट यू विल ऑलवेज फॉलो टोटल कॉस्ट प्लस बाई डिफॉल्टू विल ऑलवेज फॉलो टोटल कॉस्ट प्लस ठीक है तो हम लोगों ने वही वाला काम किया था लेकिन यहां पर जो अपना पार्ट टू था ना वो थोड़ा सा एक स्पेशल पार्ट था पार्ट टू के अंदर क्या हुआ हम लोगों ने 21 यूनिट्स ऑलरेडी बना लिया है उसके बाद अपने को एक ऑर्डर आया है फॉर कितना यूनिट 60 यूनिट्स <coughs> तो अपने को एक और ऑर्डर आया फॉर 60 यूनिट्स तो 60 यूनिट्स आर आफ्टर 21 यूनिट्स सो दे इन ऑल इल बिकम 81 यूनिट्स ये 60 यूनिट्स का आर्स निकालने के लिए लर्निंग कर्व के अंदर एक ही ऑप्शन है फाइंड आउट टोटल आर्स फॉर 21 units, sorry, find out the total hours for 81 units and subtract from there hours for 21 units. That's how you will be getting the hours for the middle 60 units. So, here, what In part 2, we get a further order for 6 units after producing 21 units. Okay? So, therefore, the total becomes 81 units after producing 30 units. Out of these 60, the order is cancelled. We have to find out the loss that will be written off. So, immediately, uh, similar to your previous question. Okay? अभी उसके लिए हम लोग यहां पे वो क्या करेगा हैव टू फाइंड आउट द कॉज दैट वी विल इनकर फॉर थर्टी यूनिट एंड द कॉज दैट वी विल रिकवर फ्रॉम थर्टी यूनिट तो थर्टी यूनिट के लिए अपना खर्चा कितना होगा माइनस अपना यहां पर थर्टी uh, यूनिट से रिकवरी कितने का होगा द डिफरेंस इज अ लॉ जो अपने राइट ऑफ यहाँ पे तो वो करना पड़ेगा वन वी फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ सिक्स यूनिट्स वी सब ट्रैक द कॉट ऑफ एटी वन यूनिट्स एंड सब ट्रैक द कॉट ऑफ ट्वेंटी वन यूनिट दट ऑफ योर गुंड बी एडिंग द कॉट ऑफ सिक्सटी यूनिट्स वी डिवाइड द फिगर बाई टू एज अ कस्टमर इज गुंडी पेंग हाफ टू अर्स आफ्टर दट वी फाइंड आउट द कॉस्ट दैट वी विल इनकर 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 फॉर थर्टी यूनिट्स ठीक है दैट इज कॉस्ट ऑफ फिफ्टी वन यू माइनज द कॉस्ट ऑफ ट्वेंटी आप लोग एक बार आर्स निकालो उसके बाद कॉस्ट भी निकाल लेना मैंने वही वाला चीज़ यहाँ पे लिखा है द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट इनकर्ड एंड कॉस्ट रिकवर्ड इज अ लॉस टू बी रिटर्न ऑफ डू ऑल्सो रिमेंबर दैट यहाँ पे फिक्स स्टोरेज भी अपने को एड अप करना पड़ेगा क्योंकि देर इज फिक्स स्टोरेज का एब्जॉर्प्शन इट इज डिपेंडेंट अपॉन लेबर कॉस्ट तो अगर अपना लेबर कॉस्ट रिकवर नहीं होगा अपना फिक्स स्टोरेज भी यहाँ पर रिकवर नहीं होगा ठीक है एंड बाई डिफॉल्ट वी फॉलो टोटल कॉस्ट प्लस ठीक है क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन इनफैक्ट वॉज वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन यहां पे अपने को और कुछ नहीं करना था एक्सेप्ट यहां पे ना बाई वी फॉलो टोटल कॉस्ट प्लस तो अपने को फिक्स कॉस्ट भी डालना है हमारी कॉस्ट के अंदर फिक्स कॉस्ट अगर आपको प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर डालने का है यहाँ आप लोग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज कर लो या एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आके के यहाँ पर कॉस्ट ड्राइवर्स वो नहीं है तो इसलिए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज नॉट पॉसिबल तो आप लोग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ही यूज कर लेना एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर छह मेथड होते हैं आउट ऑफ दैट मशीन आर एंड लेबर आर आर मोस्ट फेमस मशीन आर्स का डेटा नहीं है वी टेन टू फॉलो लेबर आर मेथड लेबर आर मेथड का एक रूल लेबर आर्स एस्टिमेट करते करते आप लोग अपना जो डाउन टाइम होता है वो आप लोग सब्ट्रैक्ट करना डाउन टाइम मतलब मशीन विल गए तो ओवर हीटेड अपन सोन वगैरह ठीक है वो सब कुछ आप लोग वो कर लेना एब्जॉर्प्शन रेट निकाल लेना वो अपना कुछ फाइव रुपीज पर आ रहा था फिर उसके बाद अपने को यहाँ पर एक ऑर्डर आया था फॉर थर्टी यूनिट्स तो थर्टी फर्स्ट थर्टी आप लोग अपना यूज़ कर इक्वल टू बी प्लस वन और वो यूज करके अपना आंसर निकाल लेना उसके बाद ऑर्डर आया फॉर ट्वेंटी तो ये ट्वेंटी के लिए लर्निंग कर्व के अंदर एक ही ऑप्शन होता है और वो ऑप्शन होता है फाइंड आउट टोटल आर्स फॉर फिफ्टी माइनस द आर्स फॉर गेटिंग थर्टींग आंसर ठीक है प्रॉफिट ऑफ ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस एक बार आप लोग का लेबर कॉस्ट वगैरह आ गया उसके बाद आप लोग अपना कॉस्चित बना के यहां पर आंसर वगैरह तो वो ले आए थे मैंने शॉर्ट्स के अंदर भी एक्जैक्टली वही वाला चीज लिखा हुआ है बाई डिफॉल्ट वी फॉलो टोटल कॉस्ट प्लस हेयर वी हैव टू एट द फिक्स कॉस्ट फॉर दट वी यूज एब्जॉपशन कॉस्टिंग इन दैट वी फॉलो लेबर आर मेथड लेबर आर मेथड वी शुड एक्लूड द डाउन टाइम एंड इंक्लूड नॉर्मल एल टाइम ऑल दो जो नॉर्मल था इस क्वेश्चन के ना वो नहीं था इन पार्ट फर्स्ट टू फाइंड आउट दॉ फॉर थर्टी अप्लाई दमुला इन द सेकंड पार्टी सो फॉर दॉ फिफ्टी एंड सब्रैक्ट फ्रॉम देर कॉस् फॉर थर्ट योर दिस पर्ट्युलर क्वेश्चन इज डन फिर उसके बाद अपने यहाँ पे नाउ मिक्सचर क्वेश्चन क्वेश्चन का मतलब यहाँ पे लर्निंग के साथ लर्निंग कर्व का टेबल्स भी आता है तो अभी लर्निंग कर्व का टेबल्स अगर कभी आए तो तुमको लॉक टेबल्स की कोई जरूरत नहीं वो रेडी देखने और वो टेबल्स रहते हैं लाइक योर डिस्काउंटिंग फैक्टर वहीं देख के अपना काम हो जाता है इस क्वेश्चन के अंदर अपने को इसके लिए कोटेशन देना है जहां दो सौ यूनिट का ऑर्डर है इसके लिए वो कोटेशन देना है जहां पे 600 सौ यूनिट का ऑर्डर है और वेरिएशन थ्री है जिसके अंदर पहले कस्टमर 200 सौ यूनिट का ऑर्डर देगा फिर उसके बाद 100 यूनिट का और ऑर्डर देगा उसके बाद 100 यूनिट का और ऑर्डर देगा आपको इसके लिए अलग से कोटेशन देना है इसके लिए अलग से और इसके लिए अलग से ठीक है यहां पे ना 200 हंड्रेड यूनिट वन बैच वो वाला चीज मैंने कैसे बताया था क्योंकि यहां पे अपने को ना कुछ ना कुछ एक सेंटेंस वो दिया हुआ था जिसके बेसिस के ऊपर हम लोगों ने कंक्लूड कर लिया था दैट 200 हंड्रेड यूनिट्स इज वन बैच कैसे यहां पे लिखा हुआ है एवरी यूनिट इन ए आर डिपार्टमेंट विल टेक हंड्रेड आवर्स फॉर द वेरिएशन वन एंड वेरिएशन वन वॉज ऑफ टू हंड्रेड यूनिट्स तो टू हंड्रेड यूनिट कहना एवरी आर वॉज सपोज टू बी टेकिंग सॉरी एवरी यूनिट वॉज सपोज टू बेकिंग हंड्रेड आस मतलब पहले दो सौ यूनिट तक हर एक यूनिट हंड्रेड आस ही लेगा मतलब दे इज ओन लर्निंग कव फॉर द फर्स्ट टू हंड्रेड यूनिट्स तो लर्निंग कब उसके बाद स्टार्ट होगा बस दैट्स इट ओके अच्छा फर्दर यहाँ पे एक लाइन था कि ये जो पहला वाला डिपार्टमेंट है ना दर इज मशीन ओरियंटेड तो उसको लर्निंग कव विल नॉट अप्लाई ठीक है बस आपको यहाँ पे क्वेश्चन ही बनाने का था लेकिन यहाँ पे ना आप लोग को लर्निंग कव का परसेंटेज दिया हुआ है लर्निंग कर्व का जब आप लोग को परसेंटेज तो वो दिया जाता है ना योर जॉब इज कंप्लीटली ओवर पहले ऐसा सोच लेना कि लर्निंग कर्व नहीं है एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर आप लोगों को 600 सौ यूनिट के लिए कोटेशन तो वो देने का है तो 600 सौ यूनिट इंटू आर्स पर यूनिट आर्स पर यूनिट मतलब जो ए वाला फिगर होगा ओके तो जि, जितना भी आपको टाइम लगता है फॉर द फर्स्ट यूनिट या फर्स्ट बैच वगैरह ठीक है एक बार ये वाला आंसर आ जाएगा ये वाले आर्ट्स होते हैं लेकिन लर्निंग कर्व का परसेंटेज परसेंटेज तो वो दिया हुआ है ना जस्ट मल्टीप्लाई बाय दैट पर्टिकुलर इतना आप आर्ट्स को लग जाएगा अगर कॉस्ट ये प्लीज मल्टीप्लाई बाय रेट तो तुम्हारा काम हो ही जाता है लॉग टेबल्स वगैरह किसी भी चीज की कुछ जरूरत नहीं पड़ती अगर आपको लर्निंग कर्व का टेबल्स वो दिया जाता है तो मैंने यहाँ पे जो लर्निंग कर्व है ना बेटा यहाँ पे काफी बार अप्लाई किया तो काफी बार मतलब इन दिस केस ए

उसके बाद सेकंड ऑर्डर फॉर हंड्रेड यूनिट्स अभी ये वाला जो हंड्रेड यूनिट्स वाला ऑर्डर है इससे पहले दो तो बन चुका है तो हम लोगों ने क्या किया 300 यूनिट का कंप्लीट बना लिया इंक्लूडिंग प्रॉफिट वगैरह मतलब सेल्स निकाल लिया तो 300 यूनिट का उसके ने से 200 यूनिट का सब्रैक्ट कर लिया तो अपने यहां पे जो काम है वो हो गया था ठीक है इसके बेसिस के ऊपर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वॉज सपोज टू बी होमवर्क सेक्शन क्वेश्चन नंबर एटीन का ना एक बार शॉर्ट्स पढ़ देता हूँ इट इज अर फर्स्ट क्वेश्चन विद लर्निंग कर्व का टेबल्स हाउ इज टू हंड्रेड यूनिट इज इक्वल टू वन बैच वो मैंने तुम लोग को एक्सप्लेन कर दिया है अपलाइन लर्निंग कर्व टेबल्स इज वेरी सिंपल थिंक दैट देर इज नो लर्निंग कर्व एंड कैलकुलेट द आर्स और कॉस्ट इन एंड जस्ट मल्टीप्लाई बाय द लर्निंग कर्व का परसेंटेज पर्सेंटेज मीक प्लीज टेक इन वेरिएशन टू हाउ वी हैव कैलकुलेट सेल्स ऑफ हंड्रेड यूनिट्स बियॉन्ड टू हंड्रेड वी हैव फाउंड द सेल्स फॉर थ्री हंड्रेड सब्ट्रेक्टेड फ्रॉम देर सेल्स ऑफ टू हंड्रेड यूनिट्स अच्छा एक और चीज समा कन्वर्जन कॉस्ट वर्ड आ चुका है कवर्जन कॉस्ट का मतलब डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरेज होता है वो मैंने तुम लोग को जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट्स के चैप्टर नंबर टू के अंदर भी बता दिया था तो कन्वर्जन कॉस्ट इज डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरेज और फैक्ट्री ओवरेज के नर वेरिएबल भी आ जाएंगे और फिक्स्ड वाले भी आ जाएंगे वो मैंने यहां पे लिख के रखा हुआ exactly है ठीक है इन दिस केस दैट वॉज ऑल अबाउट योर लर्निंग बजटिंग जो लर्निंग कर्व प्लस कैपिटल बजटिंग है ना इस क्वेश्चन के अंदर बहुत ज्यादा कोई चीज वो नहीं थी एक्सेप्ट एक्सेप्ट क्या बराबर से सुनना इन दिस पर्टिकुलर केस ना यहां पर कुछ ऐसा आप लोग कोई एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हो जिसके लिए इतना इन्वेस्टमेंट का जरूरत पड़ेगा क्वेश्चन के टैक्स रेट नहीं दिया सो डेप्रिसिएशन वाज इररिलेवेंट आर ओनली प्लेइंग विद कैश फ्लोस फर्स्ट ईयर इतना बनाओगे सेकंड ईयर इतना थर्ड ईयर इतना फोर्थ ईयर ईयर इतना इतना फिफ्थ ठीक है तो इन ऑल यूनिट बनाने वाले हो ये वाला क्वेश्चन आपको दो बार सॉल्व करने का था फर्स्ट टाइम रॉन्ग एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग का जहां पे आप लोग एवरेज आर्स निकाल के ऐसा सोचोगे कि हर यूनिट के लिए सेम एवरेज आर्स लगेगा वो अपना गलत थिंकिंग है और सेकंड पार्ट के अंदर यू हैव टू ट्राई टू बी थिंकिंग एज इफ

कंपेर टू ए पार्ट वन तो हम लोगों ने एनपीवी वगैरह फर्स्ट पार्ट के हिसाब से वो एक्सेप्ट होता है सेकेंड पार्ट के हिसाब से तो रिजेक्ट होता है लेकिन अल्टीमेटली वो रिजेक्ट ही होना चाहिए क्योंकि वो नहीं पड़ी थी आपको ट्वेंटी बता रहा हूं वी है डज इट टेक फॉर इच एंड एवरी यूनिट वो करेक्ट थिंकिंग है वी आर डूइंग दैट रॉन्ग थिंग बिकॉज इट इज टोड इन द प्रॉब्लम ओनली रेस्ट ओबे द प्रिंसिपल्स ऑफ कैपिटल बजटिंग एंड फाइंड योर एन 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 पी वी वेरिएबल ओवर हेड्स आर बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर सो कंप्लीट लेबर कॉस्ट पर्स यहाँ पे जो वेरिएबल प्रोडक्शन ओवर हेड्स ना जरा वो देख लेना वेरिएबल प्रोडक्शन ओवर हेड्स इन दिस केस आफ फिफ्टी परसेंट ऑफ एजेस तो जब तक बेजेस कंप्यूट नहीं होगा तब तक वेरिएबल ओवेज भी कंप्यूट नहीं होने वाला है ठीक है ये हो गया तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन क्वेश्चन है वो रेटिंग दिया है लेकिन क्वेश्चन विच इज वेरी गुड जहां पर Now, labor, so ना अपने को यहां पर x का वैल्यू निकालना इज सुपर दिस इज प्रॉब्लम विद कैपिटल हैज फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लेबर सो आर एवरी ईयर विल बी रिमेनिंग सेम रखा हुआ है फिक्स अमाउंट ऑफ लेबर यहां पर वो लिखा हुआ है यहां पर फिक्स अमाउंट ऑफ लेबर तो वर्कर्स हैं अपने को वर्कर लोगों से काम करवाने का है हम लोग वर्कर लोगों को निकाल नहीं सकते और हमारे पास इतना वर्कर्स है कि फर्स्ट ईयर पांच हजार यूनिट बन सकते हैं अभी नेक्स्ट ईयर भी हमारे आर्ट्स तो बेटा वो सेम ही रहने वाले हैं लेकिन नेक्स्ट ईयर हमारे यूनिट ज्यादा बन जाएंगे क्यों बिकॉज देर विल बी लर्निंग अब इफेक्ट ठीक है सो एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स रेस टू बी प्लस वन ठीक है अभी ना आपको क्या करने का है हम लोगों ने फर्स्ट ईयर पाँच हज़ार यूनिट्स बनाने के लिए कितना वो आर्स जाता है हम लोगों ने ये वाला फार्मूला यूज़ किया और उसके बाद अपने को ना एक्स वाई का आंसर आ गया था दैट वॉज थ्री ठीक है अभी नेक्स्ट ईयर ना अपने को कितना यूनिट्स बनाने का अपने को वो चीज़ की जरूरत थी और ये सबसे बेस्ट एडजस्टमेंट था कैसे हमारा एक्स का मतलब क्या होता है क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ यूनिट्स ठीक है अपना इस क्वेश्चन के अंदर ए वॉस टेन यहां पे वो दिया हुआ था रेस टू दी पार बी प्लस वन तो बी प्लस वन कम टू जीरो पॉइंट सेवन वो आप लोग चेक आ, कर लेना कैसे याद रहा है एक्स विल गिव यू क्यूमुलेटवि यूनिट प्रोड्यूस इन द एंड ऑफ यू एक्स वाई इन दिस केस विल बी थ्री एट थ्री एट एट फाइव इंटू टू कैसे क्योंकि फर्स्ट ईयर के अंदर थ्री एट एट फाइव आर्स का काम होगा सेकंड ईयर के अंदर भी थ्री एट एट फाइव आवर्स का काम होगा सो टोटल नंबर ऑफ आवर्स विल बी थ्री एट एट फाइव इंटू टू आई होप दैट इज क्लियर फिर उसके बाद हम लोगों ने इसको सॉल्व किया था यहां तक पहुंचना इज अ ब्रिलियंट थिंग इसके बाद सॉल्व करना इज अ वेरी इजी थिंग तो अपना यहाँ पे एक्स का आंसर आ गया था लेकिन एक्स ना विल नॉट गिव यू नंबर ऑफ मिनट्स प्रोड्यूस्ड इन ईयर टू दैट विल गिव यू द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस टिल द एंड ऑफ ईयर टू इस आंसर कहने से हम लोगों ने फर्स्ट ईयर का नंबर ऑफ यूनिट जो पांच हजार यूनिट था वो निकाला फिर अपने को यहां पर आंसर आया सेम थिंग इन दिस केस फॉर ईयर थ्री ऑल्सो ठीक है also, और उसके बाद यहां पर ना हम लोगों ने एन पी वी वगैरह वो निकाल लिया था एक बार वो पढ़ देता हूँ फिर उस बार पार्ट बी के बारे में कुछ ना कुछ बोलता हूँ फोर द फर्स्ट ईयर नंबर ऑफ यूनिट्स वॉज फाइव थाउजेंड ठीक है एंड वी हैव टू फाइंड एंड वी यूज द फॉर्मूला हाउ मेनी आर्स विल बी टेकन थ्री एट एट फाइव कुछ आया था एवरी ईयर Rs will remain same but the units will start to be increasing because of learning curve. It is the first problem whereby we have to find out number of units. Number of units is x. Do remember x is cumulative units. So, when we have to find x, take x, y as cumulative Rs. So, cumulative hours for second year will be date five. 385 385. If you have to take, if you have to find units of year 2, x will be cumulative units till year 2. And Rs will be the number of Rs till year 2.

फिर उसके बाद तुम्हारा सेलिंग प्राइस इज बाइंडेड ओके okay, सम के ना वो दिया हुआ है कि अपना जो सेलिंग प्राइस है 42 रुपीस का रहेगा लेकिन कॉस्ट शो इन्फ्लेशन लास्ट के मैं तुमको एक ब्रिलियंट पॉइंट बताया था और वो ब्रिलियंट पॉइंट जो था वो क्या था कि ना याद रखना याद रखना ऑब्वियस बात है वो चीज की लर्निंग का विल नॉट कंटिन्यू फॉर एवर वंस यू रीच अ परफेक्शन स्टेज नो उसके बाद ईच एंड एवरी यूनिट विल बी टेकिंग द सेम तो उतना ज्यादा लर्निंग का जितना इस क्वेश्चन के ने दिया हुआ है माइट नॉट बी पॉसिबल तो अपनी कैलकुलेशन माइट नॉट भी फुली है ये हो गया था तुम्हारे ये वाला क्वेश्चन फिर उसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आया था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर यहां पे सेल्स वराइंसेस था जिसके बारे में मेरे को कुछ बोलने का कोई मन नहीं है ओके वो ऑल रेगुलर थिंग्स सेल्स आर डिपेंडेंट अपॉन द पीरियड और उसके बाद आप लोग अपने तीन वराइंसेस निकाल लेना लेकिन जब लेबर बजट या लेबर वराइंसेस का बात आएगा जब आप लेबर बजट बना रहे थे तो यहाँ पे हम लोगों ने लेबर बजट बनाया था फॉर नाइन थाउजेंड यूनिट्स क्योंकि वी हैड एस्टिमेटेड नाइन यूनिट्स नाइन थाउजेंड यूनिट्स के लिए कितना आर्स जाएगा तब आप लोगों ने लर्निंग कर्व के बारे में भी तो सोचा ही होगा तो आप लोग सोच लेना लर्निंग कर्व के बारे में एंड अकॉर्डिंगली काम कर लेना और यहाँ पे वो लिखा हुआ है वन फिफ्टी यूनिट्स इज वन बैच तो उसके हिसाब से भी आई ट्राई टू बी डूइंग द थिंग्स और देख लेना मैंने क्या ट्रिक यूज किया था स्किल्ड और

जो इस क्वेश्चन के अंदर शायद 95 वगैरह कुछ था तो जब आप स्टैंडर्ड्स बनाते हो तब आपको लर्निंग कर्व का इफेक्ट देना बेटा एक्चुअल के अंदर तो वर्कर्स विल बी एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वो तो अपने को पता चल ही जाएगा ठीक बस मैंने वही वाला चीज यहाँ पे भी लिखा है इट इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन दैट वी ऑल हैव मैंने यहाँ पे थ्री स्टार भी दिया है एग्जाम के अंदर ऑल्सो आई एक्सपेक्ट सच काइंड ऑफ क्वेश्चन टू बी कमिंग इसलिए मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन एक्जैक्टली सेम होमवर्क के लिए वो रखा हुआ है लर्निंग कर्व विल अफेक्ट लेबर वराइंसिस ठीक है Actual data will not be affected. Okay, the standards will be made with learning curve. Okay, in this problem there is a batch concept whereby one fifty units is equal to one batch. Calculate the variances like any other problem. मैंने शायद इस क्वेश्चन के ना गिवन स्टैंडर्ड वगैरह वो नहीं बनाया था बिकॉज इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड तो रिवाइज स्टैंडर्ड बनाया था और एक्चुअल बनाया था जब हम लोग बराइन्स निकाल रहे थे और जब ये वाला चीज किया था तब मैंने लर्निंग कर्व को यहाँ पे इफेक्ट दिया था ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री मॉड्यूल्स के अंदर भी है आई होप दैट यू विल सॉल्व इट फॉर द होमवर्क सेक्शन ठीक है फिर उसके बाद तुम्हारा जो लास्ट वाला काम है वो एक कंसेप्ट था कॉल्ड ए सेंसिटिविटी एनालिसिस सेंसिटिविटी एनालिसिस का मतलब क्या होता है मैं कोई एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ मैंने उसका एक एस्टिमेट मारा मेरे को प्रॉफिट आता है ठीक है लेकिन मेरे को लगा यार सम थिंग्स ना आर अनसर्टन तो मैं सोचता हूं वट थिंग्स आर अनसर्टन किसने मेरे को बोला सर वेरिएबल कॉस्ट इज अनसर्टन सर वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा भी हो ही सकता है वेरिएबल कॉस्ट कितना ज्यादा हो जाए तो कि प्रॉफिट इज कमिंग टू जीरो मतलब वेरिएबल कॉस्ट कितने से बढ़ जाए ताकि आई कैन स्टिल बेयर इट दैट थिंग इज कॉल्ड एज सेंसिटिविटी एनालिसिस ठीक है तो सेंसिटिविटी एनालिसिस जो आपके सिलेबस के अंदर है ना दैट इज नॉट मल्टी सेंसिटिविटी एनालिसिस यू विल ओनली प्ले विद वन वेरिएबल एट वन पर्टिकुलर टाइम ठीक है मैंने तुमको क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव के अंदर एक ही क्वेश्चन क्या चार वेरिएबल्स बदल के तो वो दिखाया था दैट हाउ विल द थिंग्स बी चेंजिंग वो एक बार आप लोग चेक वो कर ही लेना वो कंसप्ट बिल्डर क्वेश्चन ही था ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स के अंदर क्या था हम लोग टू फिफ्टी सिक्स यूनिट्स बनाएंगे अपने को लगता है सेवेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज का प्रॉफिट होगा बट वी आर नॉट श्योर कि अपना जो लर्निंग कर वाला जो परसेंटेज है ना शुरू में वो 90 परसेंट है लेकिन वो 90 परसेंट होएगा या नहीं होएगा तो आपको उस लर्निंग कर्व के परसेंटेज के साथ सेंसिटिविटी एनालिसिस जो है वो करना था तो फिर हम लोगों ने क्या किया था पहले हम लोगों ने यहां पर कुछ ऐसा किया टू फिफ्टी सिक्स ठीक है सेवेंटी फाइव का प्रॉफिट तो अपना यहां पर जो लेबर कॉस्ट वगैरह था ना वो यहां पे वो कितना आता है

बस इतना जरा वो याद रखना जब आप ये वाला चीज सॉल्व करते हो ना बीच में एक जगह पे मैं पार्ट भी नेगेटिव आ जाता है और मैंटीसा पार्ट कभी नेगेटिव नहीं होता तो देखना मैंने वहां पर क्या किया था उसको पॉजिटिव वो करने के लिए प्लस माइनस करके कुछ वो किया था ताकि देन वी कैन ट्राई टू सी एंटी लॉग ऑफ दैट एंटी लॉग आप जब भी देखते हो एंटी लॉग आप जब भी देखते हो एंटी लॉग के लिए मैंटीसा पार्ट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव तो वो पॉजिटिव ही होना चाहिए वरना तुम्हारा जो आंसर है वो हमेशा गलत आ जाएगा ठीक है दैट्स इट अबाउट दिस एंटायर चैप्टर नाउ दिस चैप्टर रिलेटिवली सिंपल ओके इट्स ओनली दैट यू रिक्वायर गुड कैलकुलेटर्स एंड यू गॉट टू बपिंग वन सिंगल थिंग इन योर माइंड एंड दट इज बीच वाले यूनिट्स का आर्स या कॉस्ट हम हाँ लोग नहीं निकाल सकते अगर वो निकालना है फाइन आउट दी आर्स फॉर द अपर लिमिट सब ट्रैक द आर्स फॉर द लोअर लिमिट ठीक है अल सी ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर टेक केयर बाई